वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के बारे में जानेंगे। ओके, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कौन सा कंडीशन में अप्लाई होगा एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट एंड IRC 6 का कोडल प्रोविजन क्या है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के लिए एंड फॉर्मूलास क्या है, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन। तो इसका पहले हम लोग अर्थ प्रेशर कैलकुलेशन ग्रेन्युलर सोयल, सीफाई सोयल के लिए एंड सिस्मिक कंडीशन एंड डायनेमिक अर्थ प्रेशर कैलकुलेट किया था पार्ट वन एंड पार्ट टू में। तो सबसे पहले आप जाके ये सब वीडियोस देख लीजिए अर्थ प्रेशर कैलकुलेशन के लिए एज पर IRC 6 का हिसाब से। ओके, IRC 6 में जो जो कोडल प्रोविजन है अकॉर्डिंगली इसमें अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट किया गया। तो इस वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियोस में हम लोग अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले अर्थ प्रेशर एट रेस्ट क्या है एंड इसका डिफरेंस क्या है। देखिए, एक्टिव कंडीशन एग्जिस्ट मींस एक्टिव अर्थ प्रेशर कब अप्लाई होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर व्हेन द रिटेनिंग मल मूव्स अवे फ्रॉम द सॉयल इट रिटेन्स। देखिए, ये हमारा रिटेनिंग मल है और कोई भी अवार्टमेंट जो भी स्ट्रक्चर है वो भी अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर होगा। तो एक साइड में मेरा बैकफिल रहेगा, तो जिस साइड में बैकफिल रहेगा उसके लिए जो प्रेशर जेनरेट होगा एंड व्हेन द रिटेनिंग मल मूव्स away from the backfill, then active earth pressure apply होगा, and this is called the active earth pressure, and इसका जो coefficient हम लोग calculate किया था as per IRC 6 के लिए for granular soil and cohesive soil and dynamic condition के लिए, ये हो गया मेरा active earth pressure coefficient, okay? And passive earth pressure क्या है? Active earth pressure का जस्ट opposite direction में जो प्रेशर अप्लाई होगा वो हो गया पैसिव अर्थ प्रेशर। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर मेरा अप्लाई होगा अवे टू, एक्टिव अर्थ प्रेशर अप्लाई कौन सा डायरेक्शन में होगा ना, अवे फ्रॉम द बैकफिल। एंड जो पैसिव अर्थ प्रेशर होगा, देखिए इधर मेरा बैकफिल है टूवर्ड्स द बैकफिल, द पैसिव कंडीशन एग्जिस्ट व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव्स टूवर्ड्स द सॉइल इट रिटेन्स। तो इधर जिस डायरेक्शन में मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में जो अप्लाई होगा हो गया पैसिव अर्थ प्रेशर। एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं होगा, एट रेस्ट कंडीशन व्हेन द बॉल इज नॉट मूविंग अवे और टूवर्ड्स द सॉइल इट रिटेन्स। मींस देखिए, एक्टिव अर्थ प्रेशर सॉइल रिटेनिंग स्ट्रक्चर और रिटेनिंग वॉल मूव करेगा अवे फ्रॉम द बैकफिल, एंड पैसिव अर्थ प्रेशर में टूवर्ड्स द बैकफिल। एंड जब अर्थ प्रेशर रेस्ट में होगा, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, तो किसी भी डायरेक्शन में वॉल मूव नहीं करेगा। ओके, एक रेस्टेन स्ट्रक्चर है, इसमें वॉल जो रिटेनिंग वॉल है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ओके, तो इसी कंडीशन में लिए कंडीशन के लिए हम लोग अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग अभी देखते हैं जो अर्थ प्रेशर को जो हम लोग कैलकुलेट किया था इसका कोएफिशिएंट बेसिकली क्या है। थियोरिटिकली हम लोग देखेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट के ए, इट इज द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रिंसिपल इफेक्टिव स्ट्रेसेस व्हेन अ रिटेनिंग वॉल मूव्स अवे बाय स्मॉल अमाउंट फ्रॉम द रिटेन वॉल और रिटेन सॉइल। मींस बैकफिल मटेरियल के हिसाब से जब टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द बैकफिल वॉल मूव करेगा, उसका जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रिंसिपल इफेक्टिव स्ट्रेसेस है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट। एंड जो पैसिव अर्थ प्रेशर है जस्ट ऑपोजिट इन नेचर होगा, इट इज द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रिंसिपल इफेक्टिव स्ट्रेसेस व्हेन अ रिटेनिंग वॉल इज फोर्स्ड अगेंस्ट अ सॉइल मास। मींस इधर हमारा सॉइल मास रहेगा, तो सॉइल मास का ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वॉल मूव करेगा, जिस प्रेशर की वजह से वॉल मूव करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैसिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रिंसिपल इफेक्टिव स्ट्रेसेस को। ओके, एंड जब अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, इट इज द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रिंसिपल इफेक्टिव स्ट्रेसेस व्हेन द रिटेनिंग वॉल डज नॉट मूव। ओके, रिटेनिंग वॉल मूव ही नहीं करेगा और रेस्ट्रेन कंडीशन में होगा, तो इसीलिए हम लोग अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। देन अर्थ प्रेशर कैलकुलेशन एट रेस्ट, इसके लिए IRC 6 में क्या दिया गया है, एट रेस्ट लैटरल अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट ऑफ एट रेस्ट अर्थ प्रेशर शैल बी टेकन एज K0 = 1 - sin φ. Φ इज द कोएफिशिएंट ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल, K0 इज द K0 और K0 इज द कोएफिशिएंट ऑफ द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, वॉल्स
that have of no movement should be designed at rest earth pressure. जब वॉल का कोई मूवमेंट नहीं होगा तो इसी कंडीशन में हम लोग अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को कैलकुलेट करेंगे. एंड टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सच स्ट्रक्चर सर क्लोज बॉक्स सेल स्ट्रक्चर. कोई भी क्लोज्ड ब्लॉक सेल्स मीन्स जो भी हम लोग बॉक्स कलवर्ट डिजाइन करते हैं बॉक्स सेल टाइप का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग का अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को लेना पड़ता है. जैसे इधर देखिए ये हो गया मेरा बेसमेंट स्लैब एक स्लैब है ओके एंड दिस टू आर रिटेनिंग स्ट्रक्चर एंड इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा इसे हो गया अर्थ प्रेशर एट रेस्ट. इसके लिए हम लोग एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर का कोएफिशिएंट नहीं कैलकुलेट करेंगे. इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे केनट. केनट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई का हिसाब से. इसमें जो भी मटेरियल होगा उसका जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई का वैल्यू होगा अकॉर्डिंगली हम लोग केनट को कैलकुलेट करेंगे. एंड केनट को कैलकुलेट करने के बाद इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां होगा द सेंटर ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बैकफिल इज लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 0.33 ऑफ हाइट ऑफ द वॉल. ओके सपोज इस वॉल का मेरा हाइट है 3 मीटर तो 3 × 0.33 अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर लिवरम होगा इसका अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का. ओके इसको हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू. देखिए हम लोग एग्जांपल इसका जो बैकफिल मटेरियल है तो फाई इज 30 तो 30 के डिग्री में है तो हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 30 × π/180 दैट इज 0.524 रेडियन. तो केनॉट इज इक्वल टू 1 − sin φ सो कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट केनॉट इज इक्वल टू 1 − sin 0.524 रेडियन इज इक्वल टू 0.5. तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज इक्वल टू 0.5. ओके एंड इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन द सेंटर ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बैकफिल इज लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 0.33 ऑफ द हाइट ऑफ द बॉल. ये बेस से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके सो सपोज इस बॉल का हाइट मेरा 3 मीटर्स होगा तो 3 × 0.33 होगा तो अप्रोक्स 1 मीटर का ऊपर मेरा लिवरम होएगा आएगा तो हमको 0.5 से ये हो गया मेरा कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर. देन हमको अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करना है. देन लिवरम को कैलकुलेट करेंगे तो पर मीटर में हमारा कितना अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में अप्लाई होगा ये आ जाएगा. ओके सो थैंक यू दोस्तों. हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट ऑफ लाइव लोड सरचार्ज. जो लाइव लोड सरचार्ज होगा उसका हम लोग दोनों पार्ट देखेंगे. डायनेमिक पार्ट मीन्स जब सिस्मिक कंडीशन में लाइव लोड सरचार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड स्टैटिक कंडीशन में लाइव लोड सरचार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए IRC 6 में क्या कोडल प्रोविजन दिया गया है उसका हम लोग डिटेल देखेंगे. ओके एज पर IRC 6 का हिसाब से. सो थैंक यू दोस्तों. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वंस अगेन.